Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की चालूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली लीजिए बड़ी काग्रता पूर्वक अपने भगवान जी की वाणी में अपने मन को जुटा दीजिएगा। महाराज जी की अपार कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए श्रवण कर रहे गए। यह है अक्षर ब्रह्म योग आठवां अध्याय। आठवें अध्याय में जैसे हम लोग प्रति दिन विचार कर रहे हैं, भगवान जी ये हमारे मनों में गहरी बात उतार देना चाहते हैं। एक प्रभु की जात ही अविनाशी है, बाकी संसार ने भगवान जी ने जितना बनाया है सब नाशवान, अर्थात चंद दिन अपना कर्तव्य कर्म करने के बाद सब, क्या राजा क्या रानी, क्या अमीर क्या गरीब, सब के सब, क्या आस्तिक क्या नास्तिक, सब चले जाएंगे, पांच तत्वों में समा जाएंगे। जब ये बात गहरी उतर जाती है, अवल तो भगवान जी ये बात बैठने नहीं देते किसी के मनों के अंदर, और जब बैठ जाती है तो भक्ति के बिना वो रह ही नहीं सकता, वो तन मन से भगवान की भक्ति में लग जाता है, अपने आप को पूर्ण रूप में वो जुटा देते हैं। तो लीजिए तो किस ढंग से मेरे प्रभु बता रहे थे, ये एक तरीका जिस पर हमने खूब विचार किया। सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है, ये बात कैसे बनती है, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं किसी गैर से दिल लगाता नहीं। बात सुनने में बड़ी आसान सी प्रतीत होती है, लेकिन जब अपनाने में होता है तो मन का स्वभाव बिल्कुल इसके विपरीत है। अब उसको सुलट लाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है कि एक भगवान की जाति सत्य है और वही भगवान सारों में अपना काम कर रही है। सब प्राणी पदार्थों में जहां भी हमारा मन जाता हो उनमें उनको भगवान चला रही है, यानी हमें बार बार विचार करके मन को पीछे रोकते हुए ये बताना होता है कि भगवान की सत्ता की कारण से महत्ता है। अगर किसी, ये ध्यान से सुनना, अगर किसी प्राणी पदार्थ को आपने महत्ता दे रखी है लेकिन उसमें तो भगवान की सत्ता है, उस सत्ता के कारण से ही तो महत्ता, के भगवान की सत्ता ना हो तो महत्ता कैसी हो, उसमें फिर जिंदगी कैसी होती, ऐसे जब बार बार आप समझाएंगे तो भगवान की महत्ता बढ़ेगी। जो जो महत्ता बढ़ती है भगवान का झुकाव उधर हो जाता है। हमने अपनी भूल से कहूं, अज्ञानता से कहूं, पर्दा जहालत से कह दूं, क्या हमने प्राणी पदार्थों की महत्ता बढ़ा ली। अब मन का स्वभाव है जिसकी महत्ता बढ़ाई जाएगी उधर ही मन जाएगा। बचपन से बड़े बूढ़ों से मैं और आप कहावत सुनते आ रहे हैं, जिथे देखी तवा परात उथे गुजारी सारी रात। जब भी मन कुछ अपनी महत्ता देता है और अपने आप को भगा लेता है, खुद कहते हैं फलानी वस्तु बहुत अच्छी, फलाना प्राणी बहुत अच्छा, फलाना पदार्थ बहुत अच्छा, गुणता मल बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बड़ी सेवा करने वाला है। जब यूं कहा तो मन गुणता मल के पास भाग जाएगा फटाफट, चाहे इसने कैसे कपड़े पहन रखे हो, चाहे गुरुबान पहन रखा हो, लेकिन मन फौरन भागेगा, महत्ता जो बढ़ा दी। तो मन महत्ता के कारण से दौड़ता है, ध्यान देना। अब भगवान के अपार कृपा से समझ आने लगी कि महत्ता भगवान को दी जानी चाहिए। किस भगवान को, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। इस बात को बड़े गौर से सुनना, ये महत्ता किस कारण से है, भगवान के कारण से। मन जब तक नहीं माने, बिना उकताए हुए मन से फिर कहिए, आप अपने आप को फिर समझाइए, वो महत्ता भगवान के कारण से है। हमारे शरीर में अगर जान है तो भगवान के कारण से, जिसे हमारे भगवान जी आत्मा कह रहे हैं और बार बार हमें समझा रहे गए, सोनर्जन में वो आत्मा बिल यकी जो है जानदारों के दिल में मकी। फिर सुनो, सोनर्जन में हूँ आत्मा बिल यकी जो है जानदारों के दिल में मकी, वो सब गस्तियों को घुमाता रहे है, वो माया का चक्कर चलाता रहे, वो सब गस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ये बार बार सुनिए और एकांत में बैठ के विचार कीजिए। महाराज जी के कारण से सारे संसार में नश्मो नुमा है, महाराज जी के कारण से इतनी चहल पहल है, भगवान के कारण से हर एक शरीर के अंदर जान है और हर एक प्राणी अपने अपने संस्कारों अनुसार जुटा हुआ लगा हुआ और अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। नेक जीवो, कल्याण कामनी मेरी माता बेटियों, हम इन विचारों में लगे, बाकी विचार निकाल दें।
जैसे सवेरे हम अपने पेट को साफ कर आते हैं शौचालय के अंदर, इसी तरह सत्संग में बैठकर हमने भी किसको साफ करना है, बुद्धि और मन को। जैसे शौचालय गए पेट को साफ करने के लिए, आय हाय आय हाय मैं क्या कहने जा रहा हूँ, हाय मैं पागल सा बनने जा रहा हूँ। जैसे शौचालय में अपने पेट को साफ किया जाता है, सत्संग आलय में बैठकर हम बुद्धि और मन को साफ करते हैं। शौचालय स्थूल शरीर के लिए है और सत्संग सूक्ष्म शरीर की सफाई के लिए है, सूक्ष्म शरीर की धुलाई के लिए है। सूक्ष्म शरीर को साफ करना होता है, सूक्ष्म शरीर के बुद्धि के पुराने इरादे नो मोर, मन के पुराने विचार नो मोर, बुद्धि में भगवान जी का नया नया इरादा। बाबा बाबा बोलो बोलो कैसा इरादा, नया इरादा, पुराने गुद्धे बुद्धे इरादे खत्म, नया इरादा उसकी जगह रखेंगे। कौन सा, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली तो कर सच्चे दिल से, ये नया इरादा बुद्धि में ये इरादा रख लिया गया। बकाया जिंदगी मैंने भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति के बिना कोई चारे नहीं है, भक्ति के बिना मेरे कल्याण जहान माने ना माने धक्के खाए, जहान जलील हो बर्बाद हो, देख ही रहे भगवान से दूर होकर। भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मेरे से दूर होगा क्या गम बेहिसाब उनको दिन हो के। और हम अपने माँ को देखते हैं, पिताजी को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, जो हमारे नजदीकी हैं उनको देखते हैं, कितना बुरा हाल है उनका, कितना खराब और बर्बाद होती है वो भगवान की भक्ति के बिना। ये अपने मन को समझाएं, बार बार समझाएं, बार बार कहें, जैसे भगवान ने सारी गीता जी सुनाने के बाद आखिर में क्या सिद्धांत बनाया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाए, सुनेगा न मेरी जो हंकार से तबाही में जाएगा पिंदार से। श्री भगवान वाच, महाराज जी गुलफिशा हो गए जो हजूर के मुताबिक अपने जीवन को नहीं बहराते, महाराज जी मुताबिक अपने आप को ढालते नहीं, तबाही तबाही यहां भी और वहां भी, लोक पर लोक दोनों में उत्साह नहीं हो सकते। ये भगवान की मनाप्ली है कि जीव शांति पाएगा भगवान के साथ रहकर, जीव में शांति होगी भगवान के कारण से। हम आजमा चुके हैं लेकिन बार बार आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए, बड़ी महंगी ये आजमाइश पड़ती है मेरी कल्याणकामी बुजुर्गों भाइयों माताओं मेरी अच्छी बेटियों। इसलिए अपने मन में ये बिठा ले लाजमी तौर पर कि भगवान के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, फिर आपको पुरुषार्थ थोड़ा करना पड़ेगा। यह भारत की सभ्यता और संस्कृति, यह भारत की शान, यह धर्मभूमि भारत की शान, जीव को भगवान की सत्ता बताती है, महत्ता बताती है और मन अपने आप महाराज जी की ओर जुड़ने लगता है, अपने आप भगवान की ओर लगने लगता है। पर ये शर्त पूरी हो जाएगी, सदाओ मेरा पे हम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। आप भी कामयाबी हासिल कीजिएगा, आप भी भगवान जी की इस लगाएगी शर्त को सहर्ष पूरा कीजिएगा, जितना आपसे बन पड़े इसे पूरा करने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा करें कि मैं भगवान की शर्त को पूरा करूं। मन ने तो भागना, क्यों ना भगवान में भागे। जैसे कि शराबी कहा जाता, अगर पीना ही है तो जूस पी लिया कर, दूध पी लिया कर, जिससे कोई सेहत तो बनेगी। शराब से तेरा धन का भी चूरा, सेहत का भी चूरा और इज्जत का भी चूरा, तीनों बिगड़ जाती हैं, सेहत भी धन भी और घर की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। जो उसकी समझ में आ जाता है ओहो कितनी भारी मेरी भयानक भूल है, तो उसे नफरत करता हुआ छोड़ देता। इस तरह मन को मन भगदौड़ी करनी है तो भगवान में चल, निश्चित तरह लोक बने परलोक बने, नाना प्रकार के क्लेश आदि व्याधि उपाधि छूट जाए और तेरा कल्याण हो, मन को जरूर समझ आएगी, जरूर इसकी गहराई में ये बात बैठ जाएगी। देवियों अब आपका काम, हम तो अपने आप के बहुत शांत हो रहे हैं, भगवान आपको भी शांति प्रदान करे और ये जो शर्त लगाई है वो आप पूरी कर सके। शुरू में एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ेगा क्योंकि जन्म जन्मांतरों का स्वभाव हमारा विपरीत है। जन्म जन्मात्रों का स्वभाव हमारा राग में चिंतन करना या द्वेष में, रगबत में या नफरत में, अट्रैक्शन में या रिपल्शन में। हम जो चिंतन करते हैं राग द्वेष में चिंतन करते हैं, हम जो चिंतन करते हैं तो उल्टा पुल्टा चिंतन करते हैं, किसी को प्रेम भरी दृष्टि से देखना, किसी को द्वेष भरी दृष्टि से देखना, ये चिंतन खराब कर देता है। अब हमने भगवत दृष्टि रख के चिंतन करना, कल्याण भरी दृष्टि से चिंतन करना है ना, बिल्कुल उसके विपरीत। वो कुछ और चिंतन था, ये कुछ और चिंतन है। इस चिंतन में कल्याण है, उस चिंतन में भटकन है, बेचैनी है, बर्बादी है। आइए अब आपने समझाना होगा, भगवान ने मुझे और आपको ये आशीर्वाद दिया, ये यथार्थता या वास्तविकता की बात बता दी, इससे हम अपनी इस मिट्टी को अक्सीर बना के जाते हैं, हमारा जन्म सफल हो जाता है। मेरे सजनों मेरी देवियों, जब इस प्रकार के भाव बन जाते हैं, आज्ञा चाहूं अपने भगवान से और आप सब सजनों और देवियों से, अब हम आगे चले।
इतनी शक्ति हमें इसलिए प्रभु देंगे जिन्होंने ये सारा वातावरण हमारे कल्याण के लिए बनाया, ये सारा वातावरण हमारी बेहतरी और भलाई के लिए मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों बनाया है। वो हमें ये दिव्य शक्ति प्रदान करे कि हम उनकी वाणी को पहले समझें, शंकाओं का समाधान हो, फिर अपनाने की पूरी कोशिश की जाए, अपने जीवन में उतारने की पूरा पुरुषार्थ करें कि मैं इसे जीवन में उतारूं और जीवन में ढाल के अपना कल्याण कर जाऊं, जीवन में उतार कर मैं अपने अच्छे दिन देख जाऊं। भगवान से हार्दिक प्रार्थना है, इसलिए भगवान कृष्ण से मेरी हार्दिक बार बार प्रार्थना है कि हमारे अंतःकरण को ऐसा बनाए, आपके अंतःकरण को मेरे प्रभु ऐसा बनाए जिन्होंने हमें श्रवण करने का इतना अच्छा मौका दिया है, वो हमें जीवन में उतारने का भी सुअवसर प्रदान करे ताकि हम सबका कल्याण हो। मजा आ जाए गीता जी के श्रवण करने का, पर भगवान ने श्रवण करने का भी कितना लाभ बताया है। सारी गीता सुनाने के बाद सुनेगा जो कोई बराए सवाब, वाह वाह मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, श्री भगवान वाच, सुनेगा जो कोई बराए सवाब हमारी मुकद्दस सवालों जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ, वही इबादत में मेरी किया ज्ञान यज्ञ। एक एक बोल खींच लेता है हमें, सुनेगा जो कोई बराए सवाब हमारी मुकद्दस सवालों जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ इबादत में मेरी किया ज्ञान यज्ञ। सुनने का कितना लाभ, पढ़ने का कितना लाभ, और ये मैं आपको सुना रहा हूं इसका भी कितना लाभ। आइए ना भगवान के श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाएं और हमें दिव्य शक्ति प्रदान करें अपनाने की, जीवन में ढालने की। भले ही हमारी जबान पे मोरे खामोशी लग जाए लेकिन हमारा रोम रोम वाणी का काम करे, रोम रोम हमारा रोम रोम पुकार उठे, सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे, गीता का पढ़ना तो सीख लिया, भाई गढ़ना भी अब तो सीखेंगे, सत्संग में आना तो सीख लिया। सुन रही हो भगवती, सुन रहे हो मेरे सजनों और मेरे अच्छे बच्चों, सत्संग में हमारा रोम रोम पुकार उठे और भगवान के चरणों में प्रार्थी बन जाए, सत्संग में आना तो सीख लिया, हाय प्रभु हमारी बेनती सुन लो, सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे, गीता का पढ़ना तो सीख लिया, अधिगढ़ना भी अब तो सीखेंगे, पढ़ना तो अब सीख लिया। प्रभु हमें विशेष दिव्य शक्ति प्रदान करे, इसे प्रैक्टिकल रूप भी दे, इसे हम व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप या अमली जामा भी दे सके। इतना इतनी प्रेम भरी प्रार्थना अपने इष्ट देव से करते हुए अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 15वां श्लोक, भगवान जी अपनी बात का विस्तार करते हुए, ये भगवान जी का बहुत अच्छा स्वभाव है, हम लोग हैं अल्पज्ञ अर्थात थोड़ा जानने वाले, भगवान है सर्वज्ञ सबको जानने वाले, सर्वसमर्थ सर्वज्ञाता सर्व समर्थ प्रभु है, तो हमें उनको पता है कि गीता को पढ़ने वाले छोटी बुद्धि वाले लिटिल नोइंग होंगे अर्थात अल्पज्ञ होंगे, इसलिए एक बात को जरा और ढंग से जरा विस्तार करते हुए जरा इन ब्रीफ नॉट मैं गलत कर गया इन डिटेल, ब्रीफ में ऊपर बात कही, नाउ हियर इज अ डिस्क्रिप्शन उसकी, उसका विवरण जरा उसका विस्तार करने जा रही है जरा निराले ढंग से, भगवान की शैली तो अनुपम है ही, अब भगवान जरा इसी बात को किस तरीके से फरमाना चाहती हैं। 15वां श्लोक जारी कर रहा हूं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः हरि ओम्
ध्यान देना मालिक ने क्या कहा। हमारे जिंदगी के पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण क्या अपने श्रीमुख से कहने लगे, या सोनी सरकार यूं गुलफिशा हूं, महाआत्मा मुझसे पाकर बसाल। जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े मुनि हुए गए, बड़े बड़े योगी और अभ्यासी हुए मेरी देवी और सज्जनों, हाँ वो भगवान कह रहे मुझसे पाकर वसल, मेरा दीदार करके, मेरे दिव्य दर्शनों को करके। ध्यान देना जरा, अभी मैं प्रकाश डालूंगा। महात्मा मुझसे पाकर वसल, रहे पुर सकूं, पूर्ण शांति में रहे। पहले समझ लो भगवान क्या कह रहे हैं, रहे पुर सकूं मैंने पूर्ण शांति, पुर सकूं करता था पूर्ण शांति, परफेक्ट हैप्पीनेस, उन्हें परफेक्ट एंड कंप्लीट एंड इटर्नल हैप्पीनेस उन्होंने प्राप्त की। रह पुर सकूं लेके औजे कमाल, औजे कमाल परम धाम, औज उठी चोटी, कमाल मैंने सबसे बड़ी यानी परम धाम, यानी इधर अपने शरीर में क्या गया निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि दसवां द्वार। उन्होंने इतना अभ्यास किया कि अपनी वृत्ति को न केवल निर्मल किया बल्कि सूक्ष्म भी बना डाला। दो शब्द मुझसे पकड़ो, जब हम वृत्ति को निर्मल करेंगे सूक्ष्म अपने आप हो जाएगी है। जब हमने किसी सुई के अंदर धागा डालना होता है तो अपने उंगलियों के दो पपोटों में थोड़ा सा लब लगाकर हम उसे मरोड़ी देती हैं, यू ट्विस्ट करते जाएंगे करते जाएंगे, न केवल वो उसका अगला हिस्सा सीधा हो जाएगा बल्कि वो धागा भी बारीक होने लग जाता। दोनों होता है, एक तो धागा सीधा होगा एक बारीक, तो सुई की जो बारीक आंख है उसके अंदर जाना आसान हो जाएगा। गुड, इससे जब हम सत्संग करते हैं भगवान का भजन करते हैं हाँ और मनन करती है तो हमारा मन न केवल निर्मल होता है बल्कि सूक्ष्म भी हो जाता है, निर्मल एज वेल एज सूक्ष्म। हाँ तो फिर क्या होता है, फिर भगवान की जात में तलीन होना इसके लिए आसान हो जाता है। जैसे सुई के धागे के लिए सुई के आंख में जाना आसान हो जाता है, इसी प्रकार जब मन निर्मल होता है सूक्ष्म, जब मन भगवान का भजन करती है तो नहीं लगता, तो मतलब मन सुतूल है, सुतूल मतलब बार मुखी है, और जितना बार मुखी होगा उतना गंदा होगा, उतना संस्कारी और विकारी होगा, नहीं इसको एकाग्रता आएगी, आए नहीं ये अपने आप में सीधा रहेगा। ओहो तो आइए ना, भगवान जी जरा बता रहे हैं, रहे पुर सकूं लेके औजे कमाल, उस चोटी की अवस्था पर अपने शरीर में कहेंगे निर्विकल समाधि में जाता हुआ या दसवें द्वार में तलीन होता हुआ। दसवां द्वार में आपकी जानकारी के बताऊं, दो भ्रुवों के बीच में जहां हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार टीका लगाते हैं, ये जब वृत्ति, अब तो हमारी वृत्ति जरा यूं बैठती है ना, कभी कहीं गई कभी कहीं गई, कहीं माँ के पास बाप के पास, इधर उधर सुनी बातें पड़ी हुई बातें, ये वृत्ति वृत्ति बार मुखी है। जब अभ्यास करते करते हमारी वृत्ति बार मुखी नहीं होती, अंतर्मुखी होने लगती है, तो धीरे धीरे करके अपनी नाभि से, मैं कुछ इशारा करता हूँ आगे भगवान कृपा कर रहे हैं और कृपा करेंगे, नाभि से एकाग्रता होने लग जाती है, तो ऐसा आपको मालूम होता है कि नाभि से कोई वस्तु कोई ऐसी ऊपर उठने लग गई, कभी लाभ उठा लेना ध्यान में, आपको प्रतीत होगा कि नाभि ये नेवल, तो धीरे करके ये वृत्ति कुछ 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 आपको नजर आएगा कि कुछ यहां से जा रहा है। अब जो जो धीरे ऊपर उठेगी धीरे उठे एकाग्रता छाने लग जाएगी, बाहर की आवाजें बंद होने लग जाएंगी, बाहर के और शरीर की जो हरकत थी वो सुन होने लग जाएगा, निचला हिस्सा भी सुन होगा जैसे जान ही नहीं रही इस निचले हिस्से के अंदर। लेकिन जूझो ऊपर तो जो चुराहट खुशी उल्लास रौनक ये बढ़ती जाती है, वाह निचला हिस्सा सुन होने लग जाएगा लेकिन ऊपर खुशी उल्लास पीस एक्सटेसी ये और बढ़ती है और प्रसन्नता बढ़ती है। आपको धीरे धीरे करके ऐसा प्रतीत होगा जैसे शरीर बिल्कुल ही हल्का हो गया और फूलों के पंखुड़ियों में तोला जा सकता, फूलों की पंखुड़ियों में इतना हल्का, इतना हल्का। और कभी कभी ऐसा प्रतीत जैसे हवा में उड़ा जा रहा हो, यानी जमीन पे नहीं बैठा हवा में उड़ा जा रहा हो, मैंने मूर्खता करके बार बार आंखें खोली जमीन पे होकर उड़ गया हूं, बार बार अपने को देख नहीं अभी नीचे ही हूं नीचे ही हूं, ऐसा भगवान जी हल्का कर देते हैं शरीर को कि जैसे बस गरुड़ जी बन के उड़े जा रहे हैं ऊपर और भी ऊपर। इसके बाद वृत्ति और भी एकाग्र धीरे धीरे करते 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 ये आपकी ठोड़ी तक आ जाएगी, शुद्ध बुद्ध आपको अब गुम होने लग जाएगी। इसके बाद बयान नहीं कर सकता मैं, फिर ये धीरे धीरे करके इस अवस्था में तलीन हो जाए, इसको हम वैदिक धर्म के अनुसार दसवां द्वार बोलते। तो भगवान कहते हैं जब वो निर्मल कर गया लेके औजे कमाल, शरीर में ये औजे कमाल है, चोटी की अवस्था अनुभव के अनुसार ये मानी जाती है, बल्कि यूं मैं कह दूं भगवान का आत्मा का निवास ये है, यहां से सारे अंग प्रत्यंग चल रही है, ये अंत समय यहीं से महाराज जी की जोत निकल जाती है।
शरीर तो अभी मुर्दा है, जब ये चेतना गई चल गिर गया, हाय मर गया, मर तो पहले ही मरा हुआ था। महाराज जी ने चेतना निकाल ली, जैसे बिजली की करंट चल जाती है तो ये सारे जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है हमें डेड नजर आते हैं, नो मोर बिकॉज करंट इज नो मोर, यदि सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट अपना फंक्शन छोड़ देती है तो हमारे शरीर के सारे अंग अपना फंक्शन छोड़ देती है। कब? जब भगवान अपनी डिवाइन लाइट को ले लेते हैं। डिवाइन लाइट नो मोर, बॉडी नो मोर, बॉडी डेड। तो ये और ये कमाल मेरी भगवती, ये अपना दो भ्रुवों के बीच में जहां हम अपना, मैंने अभी उनका तिलक लगाती हूँ, शाबाश। इस तरह मेरे भगवान जी इशारा कर रही है, भगवान करे आपकी अवस्था बने, प्रभु करे आपका मन सूक्ष्म और निर्मल हो, निर्मल और सूक्ष्म। निर्मल पहले निर्मल होता है फिर क्या होता है, पहले निर्मल होता है फिर क्या होता है, कई गलती से कहते सूक्ष्म निर्मल, पहले सूक्ष्म फिर निर्मल, पहले निर्मल फिर सूक्ष्म, पहले मन निर्मल होगा फिर सूक्ष्म होता जाएगा। जैसे पहले बूर लगेगा, फूल लगेगा, फल लगेगा, पहले बूर तो आप बोलते हैं फलो फूलो, है गलत, फूलो फलो, अपनी सवाल को ठीक करो। मैंने कईयों के मुंह सुना है शाला फलो फूलो, फल बाद में आएगा भाई, पहले कहो फूलो फलो, मतलब कहो तो उतरो उत्तर तरक्की करो। यू बोला कह रहे ब्रह्मा भाई, पहले फूल आते हैं फिर फल, यदि बोला चाहिए फूलो फलो, अर्थात उतरो उत्तर उन्नति करते जाओ। इसी तरह वृत्ति उतरो उत्तर फूलो फलो फूलो फलो, तलीन हो जाएगी। अगर आप रोज अभ्यास करें भगवान आप पर कृपा कर दे। मैं तो जब से प्रचारक बन के आया 1956 से लेकर आज तक बार बार कहता आ रहा हूं, अभ्यास करो अभ्यास करो, वृत्ति सूक्ष्म होगी निर्मल होगी, निर्मल होगी सूक्ष्म होगी निर्मल होगी, ये हो गया। और जय कमाल, सिर्फ ये शब्द गीता में न रह जाए, मेरी वाणी में न रह जाए और इस पर मैं व्याख्या न करता रह जाऊं, ये बात अनुभव करने योग्य है। गुड़ कितना मीठा, अब मैं तो तोड़ के आपके मुंह में डाल दूंगा, इतना मीठा यह औजे कमाल कैसी। अब ये तो अभ्यास की बात है ना, इसको मैं कैसे दिखाऊं और कैसे आपको मनाऊं, ये तो धीरे करते 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 अभ्यास। रोज अगर प्रातः काल आप बैठेंगे हजूर के चरणों में हाजिर देंगे, आखिर भगवान को तरस आ जाता है, इतना तो इसने प्रसाद किया, चलो इतना मैं और कर दू, फिर वृत्ति खिंच जाती है, फिर वृत्ति चली जाती है। या इसको मैं कुछ समझाना चाहूं औजे कमाल को, तो यूं यहां था मिकनातीस, ये देखिए ये मिकनातीस था, यहां मिकनातीस की टुकड़ी पड़ी हुई है, हाँ यहां लोहा है, यानी चुंबक बोलते हैं बच्चे मैग्नेट या चुंबक, यहां चुंबक है और इधर लोहा है। हाँ अब इस लोहे ने ना कोशिश की कि मैं इसके संग एक में एक हो जाऊं, तो लोहा चला, पुरुषार्थ किया इस बेचारे ने, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ये तो अपनी जगह है चुंबक। अंदर की बातें मैंने कुछ इस तरह जानी है, दृष्टांत देके समझा रहा हूं, इस दृष्टांत को अपने सामने रखना। चुंबक जो आत्मा है वो तो एक ही जगह है, लेकिन अब ये मन अपने ये मन रूपी जो लोहा दूसरे पुरुषार्थ करेगा, सत्संग करेगा, जाप करेगा, भजन करेगा, ध्यान में प्रातः काल बैठेगा और धीरे और आगे 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 जरा और करते और करती है। ये जब नाक के नजदीक पहुंच जाता है यहां तक, हाँ फिर मालिक इसे खुद ही खींच देती, आगे नीचे जाना पड़ता, आगे अभ्यास नहीं करना पड़ता। फिर भगवान की मैं कहूंगा विशेष दया, जैसे चुंबक का नजदीक पहुंचो फिर लोहे को नहीं चला, फिर लोहा नहीं चला तो चुंबक ने खींच लिया, मिकनातीस ने या मैग्नेट ने खींच लिया। इसलिए शुरू में हमें मन को निर्मल और सूक्ष्म करना पड़ेगा, वो भी नाक की नोक तक, उसके बाद फिर खींचा जाता है, वो ऊपर चला जाता है, शाबाश। इसलिए रोज अभ्यास कर, मन लगे ना लगे, आदि लगेगा कल पर आप तरीके से नहीं लगाते ना, अगर विचारों से लगाए तो मन लग जाए बार बार, भगवान की सेवा तो कुछ भी नहीं, मन क्यों बेवकूफी कर रहा, उन्हीं की एक जात है जो हो रहा है, होता रहेगा, बनता रहेगा, सिर्फ उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा, तेरे में जान भी उन्हीं के कारण से, एक जान भी तो उन्हीं के, एक बार बार बैठाइए बस, फिर मन की भगदौड़ चुटकियां मार के बंद हो सकती है, मन की भगदौड़ अगर आप जैसे आप सीरियस सिंसियर और तत्पर है और कल्याण कामिनी जीव है, कल्याण कामी बड़ी जल्दी हो जाए, थोड़ा समझाया जाना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा बिल्कुल ठीक कहा है महापुरुषों ने, ना सुख वेच ग्रस्त दे ना घर छोड़ गया, आप दोनों नमूने बैठे हैं, ग्रस्ती में रहने वाले ग्रस्ती को छोड़ने वाला, हम दोनों हैं, आप ग्रस्त में रहने वाले हम जैसे ग्रस्ती को छोड़ के आ गए, तो महापुरुष कहती है तो क्या घर छोड़ने में सुख है या ग्रस्ती में रहने में, ना 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 सुख वेच ग्रस्त दे ना घर, अपने दोनों नमूने, नमूना सगोया अया कर दिया, ये दोनों नमूने भगवान ने प्रकट किए हुए हैं,
ना सुख विच ग्रस्त दे ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे है संता या गीता या कृष्ण शरणी प्या। जब महाराज जी की शरण में हो जाती है ये विचारों में सुख, ध्यान देना भगवती ओ मेरी बच्ची ध्यान देना, विचारों में सुख, विचार भी गीता जी के, विचार भी भगवान जी के, ज्ञान भरे विचार, भक्ति भरे विचार, गीता के ज्ञान भरे भक्ति भरे, ज्ञान भरे भक्ति भरे विचार। जब ये विचार बने बैठते वो विचार निकलते हैं, वो अपना स्थान प्राप्त कर ही नहीं सकते, उन्हें भागना पड़ता है दौड़ना पड़ता है संसारी विचार को, संसारी विचार भागते हैं दौड़ते हैं, कोई इसका परवाह दीजिए क्यों। जब भगवान के ज्ञान भरे भक्ति भरे विचार अपने अंदर जाते हैं तो वो संसार संबंधी विचार क्यों भागती है, जरा बताइए आप, वो क्यों भागती है जब ये बैठती है तो उन्हें क्यों भागना पड़ता है। कमले भाई भगवान के ज्ञान भरे भक्ति भरे विचार शक्तिशाली है, पावरफुल है, और ये संसार संबंधी विचार है वो कमजोर है, वो काम के हैं, क्रोध के हैं, मोह के हैं, लोभ के, अहंकार के हैं, निंदा के हैं, मत्सर के हैं, इर्द गिर्द गंदी वृत्तियों, तो वो मैंने कई बार कहा नेगेटिव पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। भगवान के विचार पॉजिटिव है दीज आर मोर पावरफुल, और संसार के विचार नेगेटिव होते हैं दीज आर वीक, ऑल दीज आर वीक, इसलिए ये ओवर पावर आ जाते हैं भगवान के विचार, उनको निकलना पड़ता बाहर, क्योंकि ये शक्तिशाली विचार है, ये मन में जू जू हम मन करेंगे विचार करेंगे संसार के विचार नहीं रह सकते, तो भगवान के विचार अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं बस, फिर भगदौड़ बंद। तो जरा पहले हिम्मतें मरदाना चाहिए, पहले हमें खूब प्रसार करना पड़ेगा छुट्टी, वो संसार गंदे विचार है। स्वामी विवेकानंद क्या करते थे, ओ मूर्ख इंसान, ये दृष्टांत मुझे बड़ा प्यारा लगा और मैंने बड़ा लाभ उठाया, आप उठाओ, ओ मूर्ख इंसान क्या हैरान है मुझे प्यास लगी है पानी पी ले, जब किसने का पानी पी ले तो गया कुत्ते की तरह नाली में लकड़े लग गया, लकना जैसे कुत्ता लगता इसे लकड़ा गया तो उसने मर थप्पड़ है, प्यास लगी है क्यों मारता है मुझे, रब दे मारे नू ना मार, तुझे ना मारू तो पानी ना पीऊ, पानी पीना तो गुनाह नहीं है, क्यों नहीं नलके का पानी पीता, क्यों ये पानी पी रहा गंदा पानी, पानी पीना प्यास बुझानी है तो वो ले ले, इसलिए विकरण कहती है गंदे मन अगर विचार ही करनी है तो पवित्र विचार क्यों नहीं कर लेता, हाई थिंकिंग क्यों नहीं करता, क्यों लो थिंकिंग करता, बहुत बढ़िया विचार वो मेरी भगवती बहुत बढ़िया विचार, वाई लो थिंकिंग वाई नॉट हाई थिंकिंग, अगर पानी पीना तो जरूर नाली से प्यास बुझानी है, क्यों ना फिल्टर्ड वाटर लिया जाए जो है नल का, नल का पानी है फिल्टर्ड वाटर, छना फिल्टर बोलते हैं छना हुआ पानी, अरे छना हुआ पानी क्यों ना पिया जाए, क्यों नाली का गंदा बदबूदार कुत्ते लका हुआ पानी पिया जाए, वाह इस तरह मन को चोट मारे, क्यों गंदे विचार लो थिंकिंग में काम करो बोले वंकार के नेगेटिव थॉट में मन को लगाया जाए, क्यों ना भगवान के ज्ञान भरे भक्ति भरे विचारों में लगा के अपना लोक परलोक बना लिया जाए, बहुत अच्छा दृष्टांत, प्यास बुझानी है तो नलके का साफ सुथरा पानी पी ले, क्यों नाली का पानी पिए, अगर मन में विचार भी करने हैं तो क्यों ना भगवान संबंधी भगवत संबंधी विचार करें, क्यों संसार संबंधी विचार करके अपने आप के विक्षेप का डाले और हैरान और परेशान करें, वाह बस अब आप देखोगे लेके औजे कमाल, अब चल पड़ा अपने स्वरूप की ओर, क्या पाठ दे रही है आज, बड़े कमाल का पाठ, नजर न लगाना आए है, नजर रखना और है नजर लगाना और है, भगवान के विचारों पे नजर रखना नजर न लगाना, भगवती नजर रखना नजर न लगाना, कोई भी चीज आपको प्यारी लगे नजर रखो लेकिन नजर न लगा, नजरों में रखना चाहिए नजर न लगानी चाहिए, क्या कह रही हैं, रहे पुरसकू लेके आप पूर्ण शांति का मिलेगी, जब जीव भगवान की ओर बढ़ेगा या महाराज जी की ओर बढ़ेगा तभी तो शांत रह सकता है ना, हलू लो तनासक न दौरे हया हाय हाय। सजनो ओ देवियों क्या कह गए, हलूले तनासक न दौरे हया, क्या अगर इस तरह अभ्यास करेगा ऊपर जाएगा आवागमन के चक्कर से छुट्टी, ये बार बार जन्मने मरने यानी आवागमन से छुट्टी, इससे वो छुट्टी पा लेगा, फना हो मुसीबत से पाए निजात, ये बार बार मरना जन्मना यह संसार जो दुख भरा है इसे निकल जाएगा ऊपर, इसमें फिर नहीं आएगा ना आवागमन में आएगा ना दुख भरे संसार में आएगा, कब, जबकि अभ्यास करता 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 भगवान के स्वरूप में पहुंच जाता, जो जो अंग्रेजी में कहावत होती है आपने सुना होगा, हायर वी गो कूलर इट वुड बी, हायर वी गो कूलर इट वुड बी, जितना हम ऊंचा जाएंगे, चलो यहां से कालका ठंड लग गई, चलो आगे सोलन, चलो आगे शिमला,
अब जो जो आप ऊपर जाएंगे और भी ठंडक, और भी कूलर, कूलर स्टिल कूलर, मोर कूलर, ये इधर भी ठीक है। हायर दी वृत्ति को कूलर इट वुड बी। जितना अभ्यास करते करते हम वृत्ति को ऊपर निर्मल और सूक्ष्म करते हैं, और भी शांति, और भी आराम, और भी चैन। शांति घर आत्म है ना, शांति घर हमारे इष्ट भगवान जी है ना, तो फिर क्या होगा? न आवागमन, न नाना प्रकार के दुख। परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त होकर वो परम सिद्ध अति उस अपने असली घर को प्राप्त कर लेता है। ऐसे महात्मा लोग दुख के घर, संसार को भगवान कह रहे हैं दुख के घर, हाँ अशाश्वत जो हमेशा नहीं रहता, पुनर्जन्म संसार को क्या बताया, दुख का घर अशाश्वत जो सदा न रहे, और पुनर्जन्म वाला बार बार जन्म मरने को फिर प्राप्त नहीं हो। ऐसे जीव जो अहोभाग्यशाली जीव कहना चाहिए, मोस्ट लक्की सोल, अहोभाग्यशाली, अहोभाग्यशाली देवियां फिर न जन्म लेंगे। ये तो आपको शरीर से कहते हैं ना, देवियां सूक्ष्म शरीर न ही है न शी है, सूक्ष्म शरीर न स्त्री लिंग है न पुलिंग है। हमारे सूक्ष्म शरीर तो बाहरी अंगों से हम कहती है ये नर है, ये नारी है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बाहरी शरीर से। लेकिन अगर सूक्ष्म शरीर लिया जाए तो उसमें कोई नारी नर के अंग नहीं है, वो छाया है और ऊपर भगवान का नूर है। शरीर के कारण से हम कह सकती हैं ये लेडी एंड जेंट्स, ये नर और नारी, पुरुष और स्त्री। लेकिन आंतरिक रूप से भगवान कह रहे बस इससे छुट्टी पा गया, महाराज जी के साथ में एक मिनट हो गया। भगवान कह रहे शरीर छोड़ने से पहले श्रोता वक्ता दोनों ये अवस्था बना के जाना तो है ही, जाना तो है, पर ये अवस्था बना के जाने वाला अपना कल्याण करके जाता है। और अगर ये अवस्था नहीं बनती तो वासना रह जाएंगी, कामना रह जाएंगी, फिर भगवान कहती है फिर उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। है वो लटके रहे दरमिया या जन्म मैल किरदार में अकेले। और आप जैसे अभ्यासियों को भगवान न करे कि अभ्यास पूरा ना हो तो क्या होगा, जाए सुए आसमां, वो सिद्धों की दुनिया में जाए वदा, फिर वो सिद्ध लोक में जाकर अपने कमी को पूरा करती हैं। ऐसा न करना देवियों, यथा संभव यही करके जाओ, यही करके जाओ, यही बना के जाओ। प्रातः काल जरूर उठा करो, दोपहर को समय मिल जाए, कुछ भी ना हो तो जाप ही करते रहो, ताकि वृत्ति तो मालिक में जाएगी ना। नहीं होता गीता जी के बारहवें अध्याय पढ़ो, बारहवें अध्याय पढ़ने से मैं भगवान की गीता पढ़ू, भगवान का सिमरन तो होगा, भगवान का ख्याल तो होगा ना, आय हाय भगवान का चिंतन तो होगा ना, यू करते रहो ना भगवान का चिंतन। प्रातः काल मृत्यु जोड़ ली, दोपहर को समय मिल गया गीता पढ़ ली, और रात को सोने से पहले भगवान का महामंत्र का जाप कर लिया, किसी येन केन प्रकारे, ओए 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 ओए, जिस किसी भी तरीके से समहाउ आर अदर, हाँ मालिक की याद बनी रहनी चाहिए, समहाउ आर अदर भगवान की याद बनी रहनी चाहिए, ओए ओए प्रभु का सिमरन होते रहना चाहिए, बस बेड़ा पार है। येन केन प्रकारे, जैसा भी हो दिस वे दैट वे, महाराज जी का चिंतन हो बस। तो होते 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 संस्कार वो पड़ जाएंगे, वो संस्कार पड़ेंगे, शाबाश शाबाश शाबाश। गांव में कच्चा रास्ता बना, नया रास्ता बना, नया रास्ता तैयार हो जाने के बाद गवर्नमेंट ने कहा पक्की ईंटें लगा देंगे, महीना हो गया, दो महीने हो गए, हालात ऐसे बने पक्की ईंटें गवर्नमेंट नहीं लगा सकी, कुछ उनके पास जो एनुअल था रुपया मिला वो खत्म हो गया, कुछ उनको मिलती है एड गवर्नमेंट से तो वो खत्म, तो अब उनका लै भी पक्का रास्ता बना। अब तो सरपंच के पास कई गए मर गए, अब जिनके तो बैल है दूसरे जवान वो तो खिंच के ले जाती है बोझ वाली गाड़ी, अब जिनके बूढ़े हैं तो ली तो बनी नहीं हुई, ली में बैलों को बोझ कम लगाना पड़ता है, और नई ली में जवान हरिष्ट पुष्ट बैल तो जाते हैं जरा चौड़े करके अपने कंधे, लेकिन बूढ़े बूढ़े बेचारे रह जाते हैं। तो उन्होंने कहा सरपंच अब क्या करें, अच्छा भाई गवर्नमेंट के आदमी ने हमें धोखा दिया, कोई बात नहीं, अब जिनके बैल जवान थे, ओ रामू ओ दुखिया ओ ओ हुक्मा, हाँ अपने बैल जोड़, हाँ सरपंच जो तू कहे, चार पांच जो जवान बैलों की गाड़ियां थी जोड़ ली, चल मेरे साथ, अब चलो भाई वहां तक जो नई सड़क बनी थी वहां, अब वहां तक ही तक पहुंचे, चलो वापस। पांच बार यूं गए, पांच बार उल्ली बन गई, अब और सरपंच के पैरों पर गए, सरपंचा रब तेरा भला करे, जिंदी रह तेरी माँ, जब तूने युक्ति निकाल ली कि जवान बैलों को लगा लगा के और पांच बार इधर किया, पांच बार तो ली बन गई। इसी तरह नेक जीवो लगातार अगर प्रातः काल अपनी वृत्ति अभ्यास किया जाए तो ली बन जाएगी, ली बन जाएगी, ली बन जाएगी, लगे रहे लगे रहे। अभी तो आपकी श्रद्धा है, बुढ़े हो जाने पर क्या बनेगा फिर, अभी शरीर निकालता है, बैठ भी सकता है, जाप भी कर सकता है, पीछे तो कुछ नहीं होता, पीछे तो एक एक अंग जो है रह जाता है,
इसलिए अभी इतना बन सकते जब तक शरीर रुष्ट पुष्ट है, कुछ अभ्यास कर सकता है, करते रहिएगा। करत करत अभ्यास ते वो जड़मती बोत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे गोत निशान। प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, अभी हम प्रैक्टिस करते रहे बनाते रहे। जैसे सरपंच की बुद्धिमत्ता ने ली तैयार करवा दी, बूढ़े बैलों के लिए आसान हो गया, ली आ गई, आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, आ रही है जा रही, इस वृत्ति के लिए अब आसान है। हमारे जैसे सुन के अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते रहना, वो मौत है, फिर क्या है, वृत्ति बन गई, अभ्यास हो गया, फिर क्या, फिर तो आखिरी वक्त भी जैसा अभ्यास बना हुआ है उसी तरह ही भगवान का सिमरन बना रहता। अंत समय भी दमे वापसी भी जो ये ज्ञान, पहले अभ्यास हो तब, पहले ली बनाई यो भगवती तब, तब केवल मात्र तब, पहले अपनी ली बनाई हो, पहले अपना वो बना रखा हो, शाबाश शाबाश शाबाश, इसे अंग्रेजी बोलते हैं ग्रूव्स, पहले अपनी ग्रूव्स बनाई हुई हो, अच्छा अभ्यास किया हुआ, बस वो बूढ़े कितनी गलती करती है, अब कोई वेला तेरा जाप करने का, हूँ वेले कर ली जिर वेले, तो बुढ़ा थी वैसी, बुढ़ा थी वैसी तो हूँ वेले कुछ नहीं होसी, ए मुल्तानी बहन हूँ वेले कुछ नहीं होना, ही वेले अगर होगा तो हूँ वेले भी होगा, अगर ही वेले नहीं ली बनेगी तो हूँ वेले खाक बनेगी, ए डू ए डू चार थी दिन, हूँ वेले क्या होगा, ही वेले होगा तो हूँ वेले होगा, ए बहन ए ही वेले होगा तो हूँ वेले होगा, अगर ही वेले नहीं होगा तो हूँ वेले लिप्त होगा, तेरा सिर होगा हूँ वेले, अभी कुछ करे तब हूँ वेले होगा, पूरे बस चगले मार देती है, ये कोई वेला हूँ वेले कर ले, हूँ वेले क्या करे, हूँ वेले तो अपने आप पेशाब निकल जाता है, हूँ वेले तो अपने आप लूज मोशन निकल जाती है, धोती खराब हो जाती है, हूँ वेले तो नक निकल आता है अपने आप, हूँ वेले क्या होगा, हूँ वेले नहीं होता, इसलिए सियाने कहे गए अरे घर को भा लग वैसी तेर तरह तो कुआं खुदे सी, हूँ वेले कुआं खुदे सी जेरे तेरे झुग्गे नु भा लग वैसी, हाय हूँ वेले रब दा ना जपे से, हाँ जेरे वेले एक एक अंग अपना काम छोड़ दे सी, हूँ वेले करे सिंह डूडू चार थी दिन, डूडू चार थी दिन ही वेले कर ले, अभी करे ही वेले, अब शरीर में आए एक एक अंग भी करता है, हूँ वेले तब होगा जब ही वेले होगा, शाबाश शाबाश शाबाश, तब जीव का कल्याण होता है। तो बड़ी गजब की बात, हमारे प्रभु आज आशीर्वाद रूप में इस 15वें श्लोक द्वारा बता रहे गए, महात्मा मुझसे पाकर वसाल, जो बड़े बड़े महात्मा हुए भगवान का दीदार करके रहे पुरसक, बिल्कुल शांत हो गए, कब लेके आओ जी कमाल, उस अवस्था पर तलीन हो करके हलूलो तनासक ना दौरे हया, शरीर जो है आवागमन के चक्कर में ना रहा, शरीर का आवागमन खत्म हो गया, Hey, बार बार जन्म मरण ना रहा, बार बार गर्भ में गिरना ना रहा, बार बार जो है छोरा छोरी बनना ना रहा, क्योंकि ये तो बनते हैं कुछ कामना हो, कुछ वासना हो, कुछ इच्छा हो, कुछ अधूरी मन के अंदर रह गई हो ख्वाहिश, तभी जन्म लेना पड़ता है, जब वो अवस्था बन जाती है क्या जो इंसान करे ख्वाहिश दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, ना उसमें खुदी हो ना हो मेरे सकू उसको वासन है दिल उसका से, इस अवस्था में बस शांत बनाओ मुसीबत से पाए, ये जो बार बार मरना जन्मना था और नमर नानक मुसीबत कर लगाइए, आधी व्याधि और उपाधि इन तीनों छूट गया, आधी होती है मन के दुख, आधी व्याधि होती है शरीर के, उपाधियां होती है समाज के, शारीरिक मानसिक और सामाजिक नाना प्रकार की अफ्लिक्शंस, नाना प्रकार की डिफिकल्टीज मिजरी से निकल गया, आजाद हो गया। आज जाके सोने से पूर्व घर के सारे धंधों से फारग हो जाने के पश्चात भगवान के इस आशीर्वाद पर जरूर गंभीरता पूर्वक चिंतन कीजिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।